दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं ऋषिकेश, जहां से चारों धाम की यात्रा का आरंभ होता है। और ये ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों यहां पर लक्ष्मण जी ने, श्री राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी ने यहां पर गंगा नदी को पार किया था, इसीलिए इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। और दोस्तों बहुत ही अद्भुत जगह है, इसे ध्यान तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पर तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां पर आकर नियमित रूप से दोस्तों मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। और यहां पर कहा जाता है कि यहां पर ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों इस जगह को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं से आरंभ होती है चारों धाम की हिंदुओं की जो यात्रा है, जिसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की जो यात्रा है यहीं से आरंभ की जाती है। और ये लक्ष्मण झूले को आज हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा यहाँ पर ऋषिकेश की यात्रा हम आपको कराने वाले हैं। कहाँ पर आकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हैं, तो वीडियो में आप रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में भ्रमण कर रहे हैं पूरा ऋषिकेश। और ये सामने जो आप ये मंदिर नुमा देख रहे हैं दोस्तों, मंदिर भी हैं और यहीं पर बहुत सारे ध्यान के मंदिर हैं दोस्तों, इसीलिए इस जगह को ध्यान तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये एक छोर से दूसरे छोर पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। और यहाँ से आप राम झूले तक का सफर हम आपको लेकर तय करेंगे। यहाँ पर आप जो है टैक्सी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ परेशानी है, लेकिन पद यात्रा का आनंद अलग ही आता है। 3 से 4 किलोमीटर की का समय है और उसको बिल्कुल आप आनंद में पैदल चल के करेंगे तो। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की तो बात ही कुछ और है, देखिए गंगा मैया के बिल्कुल करीब बसा हुआ दोस्तों ऋषिकेश। और यहाँ की जो आबो हवा है इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर 12 महीने विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और हिंदुओं के लिए तो दोस्तों ये विशेष तीर्थ स्थान में आता है हरिद्वार और ऋषिकेश। यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, देहरादून से जो यहाँ की दूरी है 35 किलोमीटर की है, आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। और हरिद्वार से भी 30 किलोमीटर ही ये पड़ती है ये जगह। और ये यहाँ पर राम फल बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। और रास्ते में खाते पीते आनंद करते हुए आप कब राम झूला पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए हम आपको बस राम झूला के करीब में लेकर पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पर ये जो आश्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आकर आप विश्राम कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते में आप यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। और ये आप राम झूला के पास में दोस्तों ये चोटी वाला आप यहाँ पर आकर भोजन कर सकते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ की ये जो चोटी वाला जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर 2 होटल हैं चोटी वाला के नाम से। यहाँ पर आकर आप भोजन ग्रहण करने के पश्चात वापस से आप राम झूला की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों राम झूला और लक्ष्मण झूला को हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है, बहुत ही प्राचीन ब्रिज है दोस्तों। ये लक्ष्मण झूला जो है 70 फुट ऊंचाई पे है दोस्तों बना हुआ है, जो गंगा नदी से ऊपर जो बना हुआ है 70 फुट ऊपर है और 450 फुट उसकी लंबाई है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों लक्ष्मण झूला की बताइए। और ये राम झूला उससे भी करीबन 500 फुट लंबाई में है। और यहाँ की खूबसूरती हम आपको दिखाते हैं। ये राम झूला और लक्ष्मण झूला
यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही आनंदमय है, और यहाँ पर आकर आपको वापस जाने की इच्छा नहीं होगी, और गंगा मैया में डुबकी लगाकर आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर अवश्य आएं। देख सकते हैं आप कितना आनंदमय वातावरण है यहाँ का, बहुत ही मन को असीम शांति का अनुभव होता है दोस्तों। ऐसी जगह पर आकर जब भी आपको समय मिले, दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से ऋषिकेश की जो दूरी है 200 किलोमीटर है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, और आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से हरिद्वार तक ट्रेन आती है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। वहाँ से ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं और बसेस भी आती हैं, यहाँ पर बस स्टेशन भी है ऋषिकेश में। और दिल्ली जाने आने और जाने के लिए दोस्तों हर 5 मिनट में बसेस हैं, दिन रात बसेस चलती हैं, और ये आप देख सकते हैं राम झूला से 2-व्हीलर भी लोग इस छोर से उस छोर तक लेकर आते हैं जाते हैं, और राम का नाम लेते आते जाते, और मन को बड़ी ही आत्मिक शांति मिलती है ऐसी जगह पर आकर। हिंदुओं का मेन तीर्थ होने के कारण दोस्तों यहाँ पर सैलानी 12 महीने हर मौसम में यहाँ पर आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। और ये ऋषिकेश, पूरा ऋषिकेश राम और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में ही दोस्तों यहाँ पर ये पूरा बसा हुआ। और माँ गंगा नदी देखिए समुद्र में मिल जाती है दोस्तों कलकत्ता में जाकर, और ये पहाड़ों के बीच में से जैसे बिल्कुल आती हुई मोक्षदायिनी गंगा जो है बहुत ही पवित्र हिंदुओं में मानी गई है दोस्तों। गंगा नदी का अलग ही अपना विशेष स्थान है, और ये आप यहाँ की खूबसूरती आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी आपको समय मिलता है तो आप यहाँ पर अवश्य आएं, और आप हमारे साथ में आज आपने पूरा ये भ्रमण किया दोस्तों इस जगह का, और ये पूरा ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला से हम आपको लेकर यात्रा का आरंभ किया था, और ये राम झूला पर आकर हम यात्रा को संपन्न करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप जब भी समय मिले अवसर मिले तो इस जगह पर आप अवश्य आएं, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन ध्यान का बहुत ही अद्भुत जगह है दोस्तों। यहाँ पर आकर लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और अपने मन को शांत करते हैं। और लक्ष्मण झूले का जो कार्य है अभी बहुत ही उसको बिल्कुल नई टेक्निक के साथ में इसको वापस बनाया जा रहा है। लक्ष्मण झूले को ये राम झूला है, और आने वाले समय में लक्ष्मण झूले का आप अलग ही रूप देखेंगे दोस्तों, और बहुत ही अलग टेक्निक के साथ में वापस से उसको संचालित किया जा रहा है। तो जब भी अवसर मिलता है आप यहाँ पर अवश्य आएं। हरिद्वार से जैसा हमने बताया कि ये मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वायु मार्ग से अगर आप आते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट जो है बिल्कुल करीब में ही है, और आप यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, और बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। यहीं से आप चार धाम यात्रा आरंभ कर सकते हैं, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दोस्तों उस यात्रा में करीबन 12 दिन आपको पहाड़ों में ही बिताने पड़ते हैं, और बहुत ही आनंद आ जाता है। शाम ढलने के पश्चात जो है बस रुक जाती है, और बिल्कुल आप विश्राम करके रात्रि में सुबह वापस से यात्रा आरंभ हो जाती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।